झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को किया फुसरो में भाजपा बेरमो विधानसभा का प्रधान कार्यालय का उद्घाटन। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि भाजपा सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। मरांडी ने हेमंत सरकार पर भी तीखा हमला किया, तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भुवनेश्वर सिंह पेट्रोल पंप परिसर में भाजपा बेरमो विधानसभा प्रधान कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने फीता काट कर किया। मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में राज्य में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, दुष्कर्म आदि की वारदात में वृद्धि हुई है। इस सरकार को बिचौलिए वे दलाल चला रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को अब तक की सबसे कमजोर मुख्यमंत्री बताया है। मरांडी ने कहा कि भाजपा सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। बेरमो से भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। मौके पर गिरडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बोकारो विधायक ऋषि नारायण, कांके विधायक सबरी लाल, पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी, आजसू के केंद्रीय सचिव काशीनाथ सिंह, चुनाव प्रभारी संत नारायण सिंह, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष किशल्य तिवारी, जिला अध्यक्ष भरत यादव आदि भी मौजूद रहे। आप सब ने यहाँ पिछले चुनाव में मिलकर के लोकसभा के चुनाव लड़े, तो रिकॉर्ड वोटों से आप सब लोगों ने जीत दर्ज किया। और पिछले विधानसभा चुनाव में थोड़ी सी कसर रह गई, कसर ये रह गई थी हम सब लोग थोड़ा अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन इस बार हम सब लोगों ने रांची में ही, लेकिन इस बार इस मजबूती के साथ हम सब लोग जुड़े और एक साथ मिल करके चुनाव के मैदान में जोरों के साथ लगे हुए। आप सब ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी को आप सब लोगों ने जिताया है, वैसे ही इस बार के चुनाव में भी गठबंधन के प्रत्याशी जोगेश खड़े, तो हम लोगों के सामने भी बहुत सारे संकट थे। अब उन्होंने बचपन में हमने रोते रोते पिताजी से जिद की तो साइकिल खरीदवाए। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।